हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल मिस्टर बीके ब्लॉग वॉइस पर। मैं हूं आपका दोस्त बीकेश यादव और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे पोको एम थ्री प्रो के बारे में। दोस्तों, पोको एम थ्री प्रो पोको का पहला 5G डिवाइस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पोको और क्या क्या ऑफर करता है। पोको एम थ्री प्रो जो मीडिया टेक 700 प्रोसेसर का एक स्मार्टफोन है, जो कि इस रेंज में 5G चीपेस्ट में से एक है। यह एंड्रॉइड 11 में आपको मिल जाता है। डिस्प्ले साइज 6.5 इंचेस फुल HD डिस्प्ले, जो कि गोरिल्ला ग्लास 3 सपोर्टेड करता है। 90 हर्ट्ज डिस्प्ले व हाई रिफ्रेश रेट की वजह से आप कंट्रोल स्क्रीन करते हुए या फिर गेम खेलते हुए अच्छा अनुभव करेंगे, स्मूथ विजुअल एंजॉय कर सकते हैं। इस फोन में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें डेप्थ एंड माइक्रो सेंसर इंक्लूड होते हैं। आप इसमें दूसरे फीचर्स भी यूज कर सकते हैं। साथ ही आपको मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जो कि ज़्यादा बेटर नहीं है। आप सेल्फी कैमरा चेक कर सकते हैं। पोको एम थ्री प्रो सुइटेबल डिजाइन के साथ आता है, जो आपको और भी आकर्षक करता है। ये आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ भी लगता है, जिसकी वजह से ये डिवाइस काफ़ी सेंसिटिव और शानदार लगता है। स्लाइड फिंगर आपको मिल जाता है बगल में, और इसमें आपको मिल जाता है 18 वाट का चार्जर टाइप सी सपोर्टेड है, जो कि क्विक चार्जिंग आपको सपोर्ट करता है। इसका वेट की बात करें तो 190 ग्राम मिल जाता है, जो थोड़ा सा भारी है। यहाँ पर आपको बैटरी मिल जाती है 5000 mAh की, जो कि आपको लॉन्ग टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मिल जाती है बैटरी बैकअप, यानी कि 84 घंटे आपको बैटरी की बैकअप मिल जाती है। एम थ्री प्रो आपको मिल जाता है दो वेरिएंट में, एक आता है 4 64 GB और दूसरा आता है 6 128 GB का। इस रेंज में आपको सबसे बेस्ट 5G स्मार्टफोन पोको एम थ्री प्रो मिल जाता है। स्टार्टिंग में इसकी प्राइस थी 13,999, लेकिन अब इसकी प्राइस घटकर 12,499 से भी कम 11,749 रुपये ऑफर के साथ मिल गई है। तो आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो अभी इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हैं। तो हमारे हिसाब से ये इस बजट में काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन है, 5G स्मार्टफोन है। इसमें आपको मिल जाती हैं दो हाइब्रिड सिम, यानी कि नैनो सिम कार्ड और हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट मिल जाता है, जिसमें आप एक साथ सिर्फ या फिर एक सिम एक माइक्रोचिप लगा सकते हैं, या फिर आप दो सिम कार्ड यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसके पिक्चर क्वालिटी की, तो पिक्चर क्वालिटी थोड़ा सा डाउन आती है, बट इस रेंज में ठीक है। सो गाइज, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ऐसे ही हमारे ब्लॉग्स को देखने के लिए। इस ब्लॉग पर मैं ऐसे ही प्रोडक्टों का रिव्यू साथ ही अपना ब्लॉग भी बनाता रहता हूँ। देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।